जेठवा हियर एंड आप देख रहे हैं जानवी जेठवा मेकओवर। सो मैं आ चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ। सो ये वाला जो लुक है वो इजीली आप अपने क्लाइंट पे दे सकते हैं और आप अपनी ब्राइड्स पे भी ये वाला लुक जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे टोनर अप्लाई किया है, देन उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ गुड वाइब का सीरम, क्योंकि अब विंटर आ चुका है। सो इसीलिए हमें हमारी जो स्किन है उसे मॉइस्चराइज रखना कंपलसरी है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र, और यहाँ पे मेरी क्लाइंट की स्किन जो है वो ड्राई थी, सो इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ ताकि स्किन जो है वो थोड़ी सी मॉइस्चराइज हो जाए और उसकी जो ड्राइनेस है वो चली जाए, क्योंकि ड्राई स्किन पे अगर हम मेकअप करते हैं तो जो हमारा मेकअप है वो पैची नज़र आता है। सो इसीलिए हमें मॉइस्चराइज़र कंपलसरी अप्लाई करना है किसी भी क्लाइंट पे। देन यहाँ पे मॉइस्चराइज़र के बाद मैंने अप्लाई किया था प्राइमर, और उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ कलर करेक्शन। यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर लिया है और उसकी हेल्प से जहाँ पर भी डार्क एरियाज है उससे मैं इस कलर करेक्टर की हेल्प से कवर अप कर दूंगी अच्छे से। आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि किस तरह से मैं कर रही हूँ। और यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी, और सब्सक्राइब बटन के बगल में ही एक बेल आइकन है, सो उसे भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और यहाँ पे कलर करेक्शन के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन, जो कि मैंने लिया है मेरी क्लाइंट की स्किन के अकॉर्डिंग, और उसे मैं ऑल ओवर दी फेस पे अप्लाई कर दूंगी। मुझे अभी कुछ दिनों से बहुत से DMs आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि मैम आप कहाँ से हो, आप किस सिटी से बिलोंग करते हो। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं कहाँ से हूँ, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, और इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। देन उसके बाद मैं बताऊंगी कि मैं कहाँ से हूँ। सो यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ कंसीलिंग। सो यहाँ पे मैंने जो फाउंडेशन का सेड अप्लाई किया था उससे एक टोन लाइटर शेड ही लिया है मैंने कंसीलर का, और उसकी हेल्प से मैं हाईएस्ट एरियाज पे कंसीलिंग कर रही हूँ, और उसी वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं उसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। आप देख सकते हो कि कंसीलिंग करने के बाद एक अच्छी सी कवरेज आ चुकी है मेकअप पे। और यहाँ पे डन होती है हमारी कंसीलिंग, और अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ लूज पाउडर, क्योंकि जहाँ पर हमने हाइलाइटिंग की है उसे हमें सेट करना होता है। सो इसीलिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ लूज पाउडर। आपको अच्छे से लूज पाउडर को अप्लाई करना है और उससे 2 से 3 मिनट तक छोड़ देना है वैसे ही, देन उसके बाद हम उसे
डस्ट ऑफ करेंगे और यहाँ पे बेकिंग होती है हमारी डन। और जो एक्स्ट्रा लूज पाउडर है उसे मैं पफ की हेल्प से डस्ट ऑफ कर रही हूँ और आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो बेस है वो एकदम सेट हो चुका है। देन उसके बाद बारी आती है आई शेडो की, जो कि एकदम ईजी रहने वाला है। आप ईजीली अपने क्लाइंट्स पे ये वाला लुक जो है वो कर सकते हो। देन यहाँ पे मैं आई बेस को सेट कर दूँगी। देन उसके बाद पहले मैंने लिया है एक लाइट ब्राउन शेड और उसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। और यहाँ पे फिर से मैं उसे अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि पहली बार में जो कलर्स हैं वो प्रॉपरली उठ के नहीं आते हैं, इसीलिए हमें 2 से 3 बार उसे अप्लाई करना पड़ता है और मर्ज करना पड़ता है। सो यहाँ पे मैंने दूसरी आइज पर भी क्रीज लाइन को क्रिएट कर लिया है। देन उसके बाद मैं आउटर कॉर्नर पे रेड कलर अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से किया। देन उसके बाद मैंने लिया है ग्रीन शेड और उसे भी मैं रेड के साथ अच्छे से मर्ज कर दूंगी। आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि किस तरह से मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे रेड और ग्रीन शेड के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ गोल्डन शेड, जो कि मैंने इनर कॉर्नर पे अप्लाई किया है। उसे अच्छे से मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँगी और रेड और गोल्डन शेड को जो है मैं आपस में मर्ज कर दूँगी अच्छे से। और इस लुक की अगर आपको फोटोज़ एंड वीडियोस देखनी है तो आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करनी पड़ेगी। सो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है शगुन ब्यूटी पार्लर 27। सो जल्दी से जाइए और वहाँ पर भी मुझे फॉलो कीजिए। और यहाँ पर हमारा आई शेडो जो है वो 50% कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ एक गोल्डन कलर का लूज ग्लिटर, जो मैं अपनी फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि किस तरह से हल्की हल्के हाथों से मैं उसे प्रेस कर रही हूँ। ठीक इसी तरह से आपको भी करना है। देन उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ काजल। सो यहाँ पे मैंने एक छोटे से फ्लैट ब्रश की हेल्प से काजल को अप्लाई किया है। देन उसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है ग्रीन कलर और उसकी हेल्प से मैं काजल को अच्छे से मर्ज कर दूँगी। देन उसके बाद बारी आती है ब्राउज की। सो यहाँ पे स्पुली की हेल्प से मैंने ब्राउज को क्लीन कर लिया है। देन उसके बाद मैंने इनर कॉर्नर पे अप्लाई किया है लाइट ब्राउन शेड। देन उसके बाद आउटर कॉर्नर पे मैं अप्लाई कर रही हूँ उससे थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड। और याद रखिएगा कि कभी भी आईब्रोज को ब्लैक कलर की हेल्प से फिल मत करिएगा, वरना जो आईब्रोज है वो थोड़ी सी क्रिएटिव लगेगी इसीलिए। देन उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ आईलाइनर। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिक्विड आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो आप जेल आईलाइनर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जेल आईलाइनर को लॉक करने के लिए आपको लिक्विड आईलाइनर अप्लाई करना कंपलसरी है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ पाउडर कॉन्टोरिंग।
सो यहाँ पे मेरी क्लाइंट का जो फेस है वो थोड़ा सा हेल्दी है, सो उसे हम कॉन्टोरिंग की हेल्प से एक परफेक्ट शेप देंगे। सो आप देख सकते हो कि मैं जो फेस का जो शेप दे रही हूँ, जो मैंने जो लाइन पे अभी शेप दिया उसके हेल्प से बहुत ही अच्छा एक इफ़ेक्ट आया है फेस पे। देन उसके बाद मैं यहाँ पे चिक एरियाज पे, देन फोरहेड एरिया पे कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ नोज़ कॉन्टोरिंग। सो नोज़ कॉन्टोरिंग के लिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एंगल ब्रश लिया है, आप देख सकते हैं किस तरह से कर रही हूँ। देन बारी आती है ब्लश ऑन की, सो यहाँ पे मैं ऑरेंज एंड मरून कलर का ब्लश ऑन अप्लाई कर रही हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे गोल्डन कलर का हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। सो हाइलाइटर को हमें हमेशा हाईएस्ट एरियाज पे अप्लाई करना होता है, सो उसे मैं चिक एरिया, चिन एरिया, क्यूपिड बो, ब्रिज ऑफ द नोज, ब्राउ बोन एंड फोरहेड पे अप्लाई करूँगी अच्छे से। देन यहाँ पर हाइलाइटर अप्लाई होने के बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी लिपस्टिक। सो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिप लाइन क्रिएट की है, आप देख सकते हो किस तरह से मैं कर रही हूँ, और आपको पता ही होगा कि लिप लाइन क्रिएट करने के बाद ही मैं लिप्स को फील करती हूँ। सो आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर एक आई बटन आ रहा है, वहाँ पर जाकर आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, जो कि मैंने उसमें बहुत ही एक अच्छा सा क्रिएटिव आई लुक किया था, सो उसे आप मिस मत करिएगा। सो जल्दी से जाइए और उस वीडियो पर भी इतना ही प्यार दीजिए। देन यहाँ पर लिपस्टिक होती है हमारी डन, लेकिन मुझे ये वाला जो शेड है वो थोड़ा सा लाइट लग रहा था आउटफिट के अकॉर्डिंग, सो लास्ट में मैंने उसे थोड़ा सा डार्क कर दिया था। देन उसके बाद यहाँ पे डन होता है हमारा मस्कारा, उसके बाद मैं बिंदी अप्लाई करके यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ फेस स्कैनरा का सेटिंग स्प्रे, और अब बारी है लिप ग्लॉस की। सो आप सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कहाँ से हूँ, सो आई एम फ्रॉम कच्छ गुजरात, मैं गुजरात से हूँ। सो गुजराती लोगों मने सपोर्ट करो और देखा रही दियो अपना गुजरातियों की ताकत। और यहाँ पर डन होता है आज का हमारा ये मेकअप लुक, आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सो मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के साथ, सो तब तक के लिए बाय गाइस।